थ्री बुक्स विच आई शुड आई रीड अर्लियर। तो नंबर वन पर है हु विल क्राई वेन यू आर आ डाई। इस बुक में छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं जिसे हम अगर डेली लाइफ में अपनी यूज़ करेंगे तो हमारी लाइफ काफ़ी चेंज हो सकती है। इसमें ऑथर्स ने बताया है कि हमें अपने आप से बात करनी चाहिए और पावर ऑफ एफर्मेशंस बताई है कि एफर्मेशंस की क्या पावर है। इसमें ऑथर्स ने हमारे माइंड के बारे में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स के बारे में बात की है कि हम अपने मंकी माइंड से कैसे बच सकते हैं। तो इस बुक को आपको जरूर रीड करना चाहिए। तो नंबर टू पर है एज मैन थिंक इट्स बाय जेम्स एलन। ये बुक है तो छोटी सी लेकिन है बहुत पावरफुल। इस बुक को अगर आप रीड करेंगे तो आपके माइंड की थिंकिंग चेंज हो जाएगी। इसमें ऑथर्स ने ये बताया है कि हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं और हमें अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना चाहिए। इस बुक में ऑथर ने वो सब बात की हुई है तो इस बुक को आपको जरूर रीड करना चाहिए। तो नंबर थर्ड पर है दिस बुक द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन। तो आपने वो बात तो सुनी ही होगी सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस बुक में ऑथर ने अपने बारे में बात की है कि हमें अपनी हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि लोगों की बात सुननी चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। हमें लोगों की बात सुनकर अपने डिसीजन से चेंज नहीं करने चाहिए। अगर लोग कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा ट्रैवल करना चाहिए या आपको फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए या आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए आपको वो बिजनेस करना चाहिए, तो आपको लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। आपको वो करना चाहिए जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। तो आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए। तो आपको ये तीन बुक्स जरूर रीड करनी चाहिए, इससे आपको लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन बाय बाय।